आंदोलनकारी भाई दिल्ली गए हुए हैं, उन सब के लिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, यहाँ रहकर हम हर प्रकार की सामग्री और हर प्रकार का उनके जो भी चाहे सुरक्षा की बात आई, अगर सरकार ने उनके साथ किसी प्रकार की घटना करी तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हर गांव के अंदर अपने अपने गांव में जाओ, मीटिंग करो और दिल्ली के लिए कूच करो, जैसे भी वहां के नेताओं के आदेश हों, जो किसान यूनियन के नेता हैं जो इस आंदोलन को चलाए हुए हैं, वे उनके निर्देशानुसार वहाँ जाकर उनका सहयोग करो। और यहाँ रहकर यहाँ के जो लोग जो है माहौल तैयार करेंगे कि वे किसी प्रकार की सरकार की हिम्मत ना पड़े, उसके लिए हम जो है यहाँ का माहौल तैयार करेंगे। तो एक तो ये हमारा मैटर, दूसरा हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक कमेटी बनाकर जो लोग सरकार में बैठे हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनको ये कहेंगे भाई जो ये सरकार ने अत्याचार की है, एक खट्टर सरकार ने ही अत्याचार की है, तो होता है क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे था, कल के नोटिस पे था, ये कहते हम रुक भी जाते। वो किसी भी पार्टी में हो, हम जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे, संपर्क करके कहेंगे भाई फिर भी नहीं मानते तो फिर उनके लिए अगले रणनीति अपनाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उस टाइम अपना जो है जैसे जो हमारा पा होगा लोगों को समझाएंगे भी इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो जैसे उन्होंने साथ नहीं दिया हम उनका साथ नहीं देंगे और उनका विरोध करेंगे। और अब सरकार से आर पार की लड़ाई होगी, या तो उन्हें देना पड़ेगा और नहीं तो दिल्ली चारों तरफ से सील होगी धीरे धीरे करके, जब तक हमारी थोड़ी गोभी की फसल रहे, टमाटर वमाटर हमारी फसल को बेच के फिर उनका हम जो है ना चारों तरफ का दूध पानी सब के बंद करके अपना खावांगे, दिल्ली में कुछ नहीं जान देंगे। या तो मोदी सरकार, मोदी साहब से प्रार्थना है इन किसानों की कि हमारी जायज मांग है इनको मान ले, अन्यथा फिर आर पार की लड़ाई होगी। हम इस जो ये तीन काले कानून है जब तक ये नहीं मिटाए जाएंगे किसान दिल्ली से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। आपका शुभ नाम क्या पता है? अशोक मदीना, राष्ट्रीय महासचिव गठवाड़ा खाप।